नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल में कुकिंग विद पापा से। तो आज हम बनाने वाले हैं एक चिकन सेजवान नूडल्स। बनाने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो हम लेंगे पीली शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, गाजर, पॉक चॉय, बीन्स, गार्लिक चॉप, जिंजर चॉप, प्याज पत्ता और चिकन। तो हमने एक पैन ले लिया है, पैन में डालेंगे पानी। तो इसमें हम करेंगे नूडल्स को बॉईल, डालेंगे थोड़ा सा नमक, डालेंगे 2 चम्मच ऑयल, पानी को हम अच्छी तरीके से बॉईल कर लेंगे। तो ये हमने एग नूडल्स लिए हैं, इसका थोड़ा सा टेस्ट अच्छा होता है। तो हमारे ये नूडल्स अब पक गए हैं, अब इसे हम ड्रेन कर लेंगे। तो हम लोग 2 अंडे की आमलेट बनाएंगे, उसमें हम थोड़ा सा तेल ले लेते हैं। तेल गर्म हो चुका है, डालेंगे हम अंडा। तो इस तरीके से आप एक आमलेट बना लीजिए और इसको ऐसे करके लंबे साइज में काट लीजिए। तो हम कढ़ाई में डालेंगे पहले 4 चम्मच तेल, तेल को होने देंगे थोड़ा सा गर्म, डालेंगे चिकन। तो चिकन हमारा पक गया है, तो अब हम डालेंगे 1/2 चम्मच गार्लिक चॉप किया हुआ, 1/2 चम्मच जिंजर, अभी इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे। डालेंगे गाजर, लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, बीन्स को अच्छी तरीके से चला लेंगे। डालेंगे नूडल्स, डालेंगे गोल मिर्च 1/2 चम्मच, डालेंगे 1 चम्मच विनीगर 1/4, सोया सॉस 1 चम्मच, चिली सॉस डालेंगे, सेजवान सॉस 2 चम्मच। अगर आपको कम लगे तो आप और थोड़ा सा डाल लीजिए, स्वाद अनुसार नमक थोड़ा सा, थोड़ी सी शुगर। तो अब हम डालेंगे इसमें पॉक चॉय, जो हमने एग बनाया था उसके इसके हमने लंबे लंबे उसके लंबे लंबे स्ट्रिप काटी है इस तरीके से। अब डालेंगे इसमें हम प्याज पत्ता, तो लो तैयार है हमारा एक चिकन सेजवान नूडल्स। लीजिए, तैयार है एक चिकन सेजवान नूडल्स। घर पे बनाइए और खाइए और बताइए कमेंट करके कि कैसा बना। और हाँ, सेजवान नूडल्स है, देख के खाइएगा, थोड़ा सा स्पाइसी होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।